दोस्तों आज बात करते हैं ओयो मनी के। जब भी हम अपना मोबाइल नंबर ओयो में साइन अप करते हैं तो हमें 2000 3000 5000 रुपए ओयो मनी मिलती है, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उस ओयो मनी से फ्री में रूम कैसे बुक करें कि अगर हमें 1000 रुपए ओयो मनी मिली है तो हम 1000 के 1000 इस्तेमाल कर पाएं और हमें होटल को कुछ भी पे ना करना पड़े, फ्री में हम एक अपना रूम स्टे बुक कर पाएं। और हम स्टे नहीं करना चाहते तो उसको ओयो मनी को अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, या गूगल पे में, फोन पे में, पेटीएम में। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ओयो मनी से रिलेटेड हम सारी इंक्वायरी इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों जब भी हम ओयो से होटल बुक करते हैं तो ओयो मनी कुछ परसेंट खुद ही इस्तेमाल हो जाती है उसमें डिस्काउंट के लिए। मान लो आपका 1000 रुपए का रूम है, उसमें 200-250-300 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाता है कूपन से, और 150-200 रुपए आपकी ओयो मनी इस्तेमाल हो जाती है उसमें। और अगर हम और भी ज्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो उन कूपन्स को जब हम चेंज करते हैं तो कई कूपन्स में ओयो मनी ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है। हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है, कई बार कूपन कम डिस्काउंट दे रहा होता है, ओयो मनी ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है। कई बार ओयो मनी कम इस्तेमाल होती है और कूपन हमें ज्यादा डिस्काउंट दे देता है। बाकी हाँ, आप ओयो मनी को वहां से ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्या होता है, कई बार अगर 800 रुपए का रूम है, ओयो मनी इस्तेमाल होने के बाद वो आपका 500 रुपए का भी रूम हो जाता है। तो एक तो हो गया ओयो मनी को इस्तेमाल करने का ये तरीका। दूसरा दोस्तों हम आते हैं कि क्या हम ओयो मनी का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर 1000 रुपए का रूम है और हमें खुद कैश में कुछ भी पे ना करना पड़े। दोस्तों ऐसा नहीं है, ओयो मनी कुछ परसेंट इस्तेमाल के लिए ही बनी हुई है, उसका हम 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारे पास 1000 रुपए ओयो रुपीज है तो हम 0 रुपए में अपना होटल बुक कर सकते हैं। जैसे 1000 रुपए का रूम है, 500 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया कूपन और ओयो मनी से, और 500 रुपए हमें ओयो रुपी से मिल गया, तो हमारा बिल जीरो हो जाएगा वहां पर। तो दोस्तों ये क्लियर है कि हमें ओयो मनी डिस्काउंट दिलवा सकती है, पर हम उसका कितनी भी कोशिश कर ले 100% इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों कि हम ओयो मनी को अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई है कि ओयो मनी को हम कैसे अकाउंट में ट्रांसफर करें, क्योंकि लोग इस बारे में सर्च भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसी शायद कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें हमने अपना मोबाइल नंबर साइन अप किया और हमें कोई भी कंपनी 2000-5000 रुपए फ्री में ऐसे ही दे देगी। ऐसे होता तो दोस्तों आज के दिन हर कोई साइन अप कर रहा होता, और हाँ हर कोई रिडीम कर ही लेता 4-5 हजार रुपए। जब ओयो वाले ओयो मनी से 100% में रूम बुक ही नहीं करने दे रहे तो वो अकाउंट में हमें कहाँ से ट्रांसफर करने देंगे। ओयो मनी से दोस्तों हम कुछ परसेंट डिस्काउंट ही ले सकते हैं, इसके अलावा हम ओयो मनी का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो जो सारे ट्रिक्स हैं कि ओयो मनी को अपने अकाउंट में कैसे भेजें, अपने गूगल पे पेटीएम में कैसे ट्रांसफर करें, वो सारी दोस्तों ट्रिक फेक हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा।